हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने अभी अभी 2018 का एक तेलुगु फिल्म जिसका नाम है गुडाचारी, वो देखा है। गुडाचारी का मतलब है स्पाई। लिटरली बहुत रिक्वेस्ट आए थे मेरे चैनल पर, बहुत बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे चैनल पर इस फिल्म के रिव्यू को लेकर। सो फाइनली आई हैव सीन द फिल्म एंड लेट मी टेल यू, इट्स अ नाइस, गुड, डिसेंटली वेल मेड फिल्म। आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे उतना ग्रेट नहीं लगा फिल्म, जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई थॉट द फिल्म मेकर्स मिस्ड अ ट्रिक और टू, थोड़े बहुत लूप होल्स नजर आए मुझे फिल्म में। अगर वो लूप होल्स नहीं होता है तो बहुत अच्छा एक स्पाई थ्रिलर बन सकता था गुडाचारी। फिल्म के स्टोरी के बारे में बात करूँ, अद्वी सेज जो लीड रोल में है वो एक सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है त्रिनेत्र, उसके एजेंट है। अनफॉर्चुनेटली उनके बॉसेस का मर्डर हो जाता है और बॉसेस के मर्डर के बाद जो भी चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस है, वो इसके ऊपर लग जाता है, अद्वी सेज के ऊपर। ही इज फ्रेम्ड इन द मर्डर ऑफ हिज बॉसेस, सो इज ऑन द रन। नाउ ही हैज़ टू फाइंड आउट कौन है गद्दार इस पूरे टीम में, कौन है विलन इस पूरे टीम में, एंड ही हैज़ टू क्लियर हिज नेम फ्रॉम ऑल द चार्जेस दैट हैव बीन लेवल्ड ऑन हिम। ये है फिल्म की कहानी। अब फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। फिल्म में जो सस्पेंस है ना, मतलब गद्दार कौन है, विलन कौन है, वो सस्पेंस इतना अच्छा बनाए रखता है कि लास्ट तक आप गेस नहीं कर पाओगे भाई सस्पेंस क्या है, कौन है एक्चुअल विलन, कौन है गद्दार। तो जो टाइम पे वो रिवील होता है वो एक सरप्राइज और एक शॉक एलिमेंट देगा आपको। और इतने सारे क्लूज भी नहीं है फिल्म में कि आप गेस भी नहीं कर पाओगे बराबर से कि कौन है द रियल विलन, कौन है द रियल गद्दार इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। अब लूप होल्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यार बहुत सारे जगहों पर यार मुझे ऐसा लगा बहुत इजीली अद्वी, यू नो, शेष साहब जो लीड एक्टर है अद्वी शेष, बहुत इजीली सब जगह से निकल जा रहा है। जैसे एयरपोर्ट हुआ या प्लेन के अंदर, कभी प्लेन के एयर टर्मैक पे मतलब घूम रहे हैं, फिर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, चिटागोंग तक पहुंच रहे हैं, चिटागोंग से भी बाहर आराम से निकल रहे हैं, एंड पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई और कैच हिम एट दैट टाइम। तो ये सब मेरे को ना थोड़ा लूप होल्स लगा नजर आया इस फिल्म में। थोड़ा और टाइट और थ्रिलिंग और थोड़ा एंगेजिंग कर सकते थे बाई मेकिंग थिंग्स मच मोर डिफिकल्ट फॉर अद्वी शेष, वो मेरे को लगा। दूसरा यार एक्शन, आई वॉज नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड। एक्शन थोड़ा और सुपीरियर लेवल का होना चाहिए था, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या फिर वो गन फाइट बैटल से थोड़ा और रियल लग सकता था। स्टंट्स थोड़े बहुत अच्छा और इनोवेटिव हो सकता था ऐसा मुझे लगा। फाइनल फाइट सीक्वेंस भी उतना खास नहीं था, मतलब इट लुक लाइक एनी अदर जो ओल्ड तेलुगु, तमिल या साउथ इंडियन फिल्म्स होते ना जिसमें सब लोग आते हैं एक दूसरे को गोली वोली मार रहा है, कोई मर रहा है, कोई जिंदा है, कोई किसी और को मार रहा है, वैसा मुझे लगा यार। थोड़ा अच्छा कोरियोग्राफी हो सकता था एक्शन का, जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं तेलुगु फिल्म्स में, तमिल फिल्म्स में, कन्नड़ा या मलयालम फिल्म्स में हो, तो वो मुझे थोड़ा लूप होल नजर आया। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगेन आई वुड से इज द सस्पेंस, नो वन विल बी एबल टू गेस। तो वो सस्पेंस आपको एंगेज रखेगा राइट थ्रू आउट द एंटायर प्लॉट। फीमेल लीड में है सुबिता धुलीपाला, कोई उतना बड़ा रोल नहीं है उनका, लेकिन फिर भी वो जब भी एंट्री मारती है ना, आई थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर द व्यूअर टू गेस भाई इसका रोल क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब ट्रिक हो सकता है, ये क्या करना चाहती है इस पूरे फिल्म में। उनका वो पूरा चाल चलन देख के आपको एक आइडिया आ जाएगा यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, देर इज समथिंग फिशी अबाउट हर, वो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन गेस अबाउट इन द एंटायर फिल्म एज फार एज सुबिता धुलीपाला रोल गोज, बट अदरवाइज इट्स अ डिसेंटली वेल मेड सस्पेंस थ्रिलर ऑफ अ स्पाई। सो अगर आपको देखना टाइम है तो प्लीज़ जाकर देखिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 3 stars out of 5। जिस किसी ने भी देखा, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस फिल्म को लेकर प्लीज़ मुझे बताना। एंड फॉर द मोमेंट सोनप सेज गुड बाय।